फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि कभी कभी तेज बारिश में बर्फ के गोल गोल टुकड़े गिरने लगते हैं और बर्फ के इन्हीं टुकड़ों को हम ओले कहते हैं। ओले अक्सर गर्मियों के मौसम में दोपहर के बाद गिरते हैं और सर्दियों में भी ओले गिरते देखे गए हैं। जब यह गिरते हैं तो बादलों में आवाज के साथ बिजली की चमक होती है। यह छोटे बड़े दोनों ही प्रकार के होते हैं। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हो कि ओले कैसे बनते हैं? फ्रेंड्स, जब पानी की बूंदें धरती पर गिरती हैं तो उन्हें कभी कभी ठंडे क्षेत्र से निकलने के कारण कम टेम्परेचर में वर्षा की ये बूंदें जमकर बर्फ यानी हिमकणों में बदल जाती है और कभी कभी गिरते हुए हिमकणों को वायुमंडल में हवा में तेजी से उड़ती कोई धारा ऊपर उठा ले जाती है और ये जमी हुई बूंदें उस क्षेत्र में पहुंच जाती हैं जहां पानी की बूंदें पहले से ही बननी शुरू हुई थी। और तो इन हिमकणों में पानी के कण चिपकने लगते हैं और जब ये नीचे की ओर गिरती हैं तो हवा की ठंडी जगह से निकलने पर जम जाती हैं। इस प्रकार ओले का वजन बढ़ने के कारण इनका वजन ऊपर उठाने वाली हवा के बल से ज्यादा हो जाता है तो ये ओले बनकर जमीन पर गिरने लगते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी ओले को काट कर देखें तो ट्रांसपेरेंट और सेमी ट्रांसपेरेंट बर्फ की बहुत सतहें दिखाई देंगी और ये परतें पानी के बार बार जमने से ही बनती हैं। गिरते हुए ओलों का व्यास 1 सेंटीमीटर से लेकर 7-8 सेंटीमीटर तक होता है और वजन लगभग 500 ग्राम तक होता है। फ्रेंड्स, 6 जुलाई सन 1928 को पॉटर नेम नाम की जगह पर एक बहुत बड़ा ओला गिरा जिसका वजन 717 ग्राम और व्यास 14 सेंटीमीटर था। वैसे तो ओले गिरने से बहुत नुकसान होता है और इससे चोट लगने से जानवर और आदमी भी मरते देखे गए हैं और इससे खड़ी फसल भी नष्ट हो जाती है। फ्रेंड्स, 30 अप्रैल 1888 को मुरादाबाद यूपी में ओले गिरने से 286 लोगों की मौत हो गई थी।